नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टियों ने तैयारी कर ली है। इस बीच शिवसेना संजय राउत ने मथुरा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मथुरा में कोई आंदोलन हुआ तो शिवसेना भी उसमें शिरकत करेगी। उन्होंने बताया कि शिवसेना यूपी में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन हम राज्य में बदलाव चाहते हैं। हम यूपी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि हम बीजेपी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। दरअसल इससे पहले महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी यूपी के चुनाव समर में सपा के साथ उतरने जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए सीट का भी बंटवारा कर दिया है। चुनाव से पहले संजय राउत द्वारा मथुरा को लेकर दिया गया बयान यूपी में शिवसेना की एंट्री का साफ इशारा माना जा रहा है। आपको बता हो कि भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। प्रथम चरण के लिए वोटिंग 10 फरवरी, द्वितीय चरण से 14 फरवरी, तृतीय चरण में 20 फरवरी, चतुर्थ में 23 फरवरी और पांचवा चरण 27 फरवरी और छठा चरण 3 मार्च, सातवां चरण 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।